बताओ मेरे को, इधर आओ, आगे आओ, और कोई बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, मैं बुलाऊंगा तो खड़े होना, मैं बुलाऊंगा तो खड़े होना, बैठ जाओ मेरे, आ जाओ बाहर, सिर्फ एक जने से पूछेंगे, बाकी बैठ जाओ। हाँ क्या है? मुझे अपने परिवार के बारे में बहुत चिंता होती है क्योंकि वो बहुत कर्जे में है। आपका परिवार कर्जे में? कौन, बाप? पूरे फैमिली। मम्मी पापा काम करने जाते हैं बाहर और कर्जे में हैं जी। कितना कर्जा है? 1.5 लाख। ओके, अब सब काम करते लेकिन कर्जा खत्म नहीं होता है? नहीं। हाँ, 4 साल हो गए। आपको प्रभु में कितनी देर हो गई? 2015 से। ओके, अब सुनो मेरी बात, हमने एक केस सुन लिया, ठीक है। अब किसी को मान लो कर्जा है, उसकी फैमिली में कर्जा है, परमेश्वर में आ रहा है, उसका हल क्या है? परमेश्वर ने कहा मेरी कौम कर्जा देगी, पर ये वचन पूरा कब होगा मालूम? सुनो मेरी बात, टाइथ पे करते तुम? पहले नहीं करता, तब करना सीख रहा हूं। सीख रहा हूं, देखा, मैं इसकी शक्ल दिखाओ कैमरा में। जब ये टाइथ पे करना सीख जाएगा और प्रभु में चलना सीख जाएगा, ये कर्जे की गवाही देने वापिस आएगा कि ठीक उतर गया। सुनो, अब ये कर्जा है ना, ये प्रेयर से नहीं उतरेगा, मेरी बात समझ रहे हो? नहीं, ये बिब्लिकल, मुझे अपनी परिस्थिति को बाइबल से ढूंढना पड़ेगा कि ये कैसे जाएगी। बाइबल कहती है जब तू टाइथ देता है, कोई दुनिया की ताकत तेरी बरकत को रोक नहीं सकती। मैं तेरे, वहां लिखा है, फल कच्चे नहीं झड़ने दूंगा। फल का मतलब क्या? तेरे प्रोजेक्ट्स, तेरी जॉब, प्रमोशंस, तेरी ठेकेदारी, तेरे आने वाली चीजें, मैं उन्हें कच्चा नहीं रहने। लोग बोलते हैं भाई साहब करियो प्रेयर, अब काम बनन वाला ही हुंदा, नाले खराब हो जाए। वो लोग जो टाइथ में और प्रेयर में पक्के हैं, उनको ऐसी प्रेयर्स कराने की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब ये आएगा टेस्टमनी के साथ। हालेलुया, आप समझ रहे हैं चीजों को? मुझे अपनी लाइफ को हैंडल कहां से करना आना चाहिए? मुझे बाइबल से ढूंढना है। आप कहां से? उड़ीसा। ओ, इतनी दूर से आए, क्या है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम? मेरी प्रॉब्लम है कि मैं सबकाई कर रहे थे तो सबकाई अभी बंद हो गए, और मैं चाहता हूँ सबकाई के बढ़ाने के लिए। और लाइफ में क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम है मेरे को, थोड़ा दिक्कत है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो मैं आगे जो भी। क्या दिक्कत है? पैसे के लिए दिक्कत है मेरे, फिजिकली। हाँ, फिजिकली। तो इसलिए मैंने सबकाई का, अभी सबकाई का बंद है वहाँ पे उड़ीसा में, सारे जो मोदी सरकार जैसे बंद कर रहे थे सारे। कोई चिंता मत करो, कोई सरकार हमारी विरोधी नहीं, शैतान हमारा विरोधी है। अब सुनो, मैंने आपका केस सुन लिया, अब सुनो ध्यान से। इनका हल क्या है? आप जब सेवा के लिए उठते हैं तो परमेश्वर आपको परख सकते हैं। मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया, चल मूसा भाई आ जा, भी आप चलिए किथे छुड़ान वास्ते इसराइलिया नू मिस्र चो, और रास्ते में परमेश्वर ने मूसा को मारने की कोशिश की, खुद ही बुलाया, खुद ही मारने की कोशिश की। उसकी पत्नी ने ढूंढा कि ऐसा क्यों हुआ, मालूम हुआ कि उसके बेटे का खतना नहीं हुआ। एक पास्टर जो, बैठ जाओ, क्यों खड़े हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सभी ले हैंड क्यों खड़े किया, किसी ने, किसी वॉलंटियर ने किया आपको खड़े? नहीं, अपने आप खड़े नहीं हुए। सुनो,
ये बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है आप लोगों के लिए। जब परमेश्वर एक पास्टर को विजन देता है, परमेश्वर चेक करता है